देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। मऊ जनपद की घोसी संसदीय क्षेत्र में घमासान मचा हुआ है। गुरुवार की शाम को कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व घोसी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी अतुल कुमार अंजान ने रोड शो कर अपनी ताकत का एहसास कराया। रोड शो सिपाही इब्राहिमदाबाद से निकलकर मधुबन पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से भाजपा प्रत्याशी अतुल कुमार अंजान का स्वागत किया। पुनः फतेहपुर मंडवा मर्यादापुर होते हुए सबेलौली पहुंचा, जहां रोड शो जनसभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी अतुल कुमार सिंह अंजान ने कहा कि भाजपा ने बुनकरों, किसानों, खेतिहर मजदूरों, नौजवानों, छात्रों और छोटे दुकानदारों के लिए कुछ नहीं किया, वरना GST लादकर वह काम कर दिए जो अंग्रेज ने नहीं कर पाए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा केवल नफरत की राजनीति करती है, जातियों में भेदभाव करके विद्वेष फैलाकर भाजपा अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। भाजपा ने शासन के में बैंकों में बड़े घोटाले हुए और यहां घोटालेबाज भाजपा के मंत्रियों के सारे प्रदेश से बाहर भाग गए, अब यहां इन्हें वापस लाने की नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं से नौकरियां छीन लिया, शक्ति मित्र पर लाठी चार्ज कराया, शिक्षकों की पुरानी पेंशन खत्म कर दी। रामनारायण सिंह ने कहा कि हमें ऐसा सांसद चुनना है जिससे घोसी लोकसभा की पहचान बन सके। इस मौके पर इम्तियाज बेग, शेख सिहामुद्दीन, हाजी गुरफान, प्रमोद यादव, अरविंद सिंह, सुमित उपाध्याय, पीएन सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। परोसी गई और उन्हें हेडलाइन बनाया गया, देश की खबरों को ऐसा तोड़ा मरोड़ा गया कि न जैसे मोदी की मुखालफत करना या मोदी की नीतियों की आलोचना करना राष्ट्र विरोध है। और प्रधानमंत्री हर मीटिंग में कहते हैं कि जो मोदी का विरोध करता है वह देश का विरोध करता है, जो मोदी का विरोध करता है राष्ट्रद्रोही है, जो राष्ट्रद्रोही है वही मोदी का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी, हमारे एक कहावत है, अधकल गगरी छलकत जाए, आधी गगरी है और उस पर भी छलक रहा है पानी उसका। आप राष्ट्रवादी हो गए, आप राष्ट्र के महान समर्थक हो गए। आपके पिताजी आजादी की लड़ाई में जेल गए थे क्या? आपके परदादा जेल गए थे क्या? आपके दादा जेल गए थे क्या? आपके लखड़ दादा जेल गए थे 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में? और क्या आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिसके आप प्रचारक बने घूमते हैं, वो क्या कभी आजादी की लड़ाई में थी? क्या वो आजादी की लड़ाई में शामिल थे? अरे मोदी जी, आप जिस गांधी का नाम लेते हो और काल नेम बने घूमते हो, तुम्हारी हैसियत वही है जो सीता का अपहरण करने के लिए रावण ने एक साधु का वेश धरा था। क्या है आपका मामला? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या किसने की? आप जिस विचारधारा के प्रचारक थे। मऊ से संवाददाता जगदीश सिंह की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।